सब मॉडरेट मोड था। बढ़िया गया, इंशाल्लाह मेरा एग्जाम इस बार पीटी में रिजल्ट आ रहा है। इजी टू मॉडरेट 65-70 तक कट ऑफ रहेगा तो हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ गरिमा भारती। बीपीएसएससी की आज परीक्षा है, आज यानी कि 22 दिसंबर को सेकेंड हाफ की परीक्षा हो चुकी है। विद्यार्थी परीक्षा हॉल से बाहर आ रहे हैं, अभी हम खड़े हैं बाकीपुर हाई स्कूल के पास। हम जानेंगे कि कैसा गया आज का एग्जाम, पेपर कितना टफ था, कितने परसेंट क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व किए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। ठीक ठाक, मतलब मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, फर्स्ट टाइम था। सर आज का पेपर ठीक ठाक था, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे या मतलब नहीं, एक्सपेक्टेड भी थे, कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ बाहर से था। क्या लगता है हो जाएगा रिजल्ट, क्लियर करेंगे? मे बी, क्वेश्चन का कुछ थोड़ा लेवल था। बोलिए, कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छी रही है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट टफ रहा, कौन सा? मेरा मैथमेटिक्स और साइंस 100% पूरा किया, अप्रोक्सीमेटली सही गया, रिजल्ट होने के बहुत 100% चांस लग रहा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 100+ क्वेश्चन टच किए हैं और लगभग 80 सही है, और आशा करते हैं कि लगभग हो जाएगा मेरा रिजल्ट इस बार। मतलब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले बनाया आपने? सर, हम कंटिन्यू में बनाए, कोई सब्जेक्ट पहले नहीं, कंटिन्यू में लगातार आता गया, लगातार बनाते गए हम, और एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। हो जाएगा जी, हो जाएगा। कितना परसेंट सॉल्व किए क्वेश्चन? 80। पर कैसा गया आपका? बहुत अच्छा। कितना परसेंट लगभग सॉल्व किया? 89। तो क्या लग रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग। तो क्या लग रहा है, 4-1? क्या लग रहा है, क्लियर हो जाएगा पीटी? हाँ, उम्मीद तो है। एग्जाम बहुत बढ़िया था। और क्वेश्चन पेपर कहीं तो फिर में कुछ दिपली था, लेकिन बढ़िया था। क्या लग रहा है, निकल जाएगा पीटी? देखिए, अब तो शायद रिजल्ट आने में पता चलेगा। आपका मेरा बहुत बढ़िया गया, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था, करेंट से ज़्यादा क्वेश्चन था, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन था, बाकी हिस्ट्री था, और मैथ का 4 क्वेश्चन था। बढ़िया गया, इंशाल्लाह मेरा एग्ज़ाम इस बार पीटी में रिजल्ट आ रहा है। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो पेपर इजी रहा, कौन सा हार्ड रहा? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा, करेंट मेरा बहुत अच्छा रहा, करेंट अफेयर्स। क्या लग रहा है, बन जाएंगे दरोगा? हाँ, इस बार तो दरोगा बनना निश्चित है। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है। पेपर, कौन सा पेपर टफ लगा सॉल्व करने में? थोड़ा सा पेपर टफ था, करेंट का थोड़ा सा पेपर कुछ टफ था, उसके 2-4 क्वेश्चन थे जो भारी टाइप के थे थोड़ा सा, और बाकी सब पेपर नॉर्मल था, मिला जुला था। करेंट के ही कुछ मतलब कि क्वेश्चन जो थे टफ क्वेश्चन थे, और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब आसान थे। कैसा रहा एग्जाम? जी, एग्जाम तो बहुत अच्छा था, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, और जो करेंट था वो थोड़ा सा हल्का सा टफ था, और कुछ नहीं। हाँ, क्या लग रहा है, मिला जुला कर हो जाएगा? मिला जुला कर तो हो जाना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि मैंने तो टोटल अटेम्प्ट कर दिया है, अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए रिजल्ट। अच्छा रहा। कौन सा पेपर टफ था, लोग करेंट अफेयर्स की बात? सब मॉडरेट मोड था, करेंट अफेयर, जीके सब ठीक, मैथ 5 था नॉर्मली, मतलब 70 अटेम्प्ट सब कर रहे हैं, 70 तक, उसके आगे बस मतलब थोड़ा सा मतलब जोखिम ले रहे हैं 70 के बाद, 70 तक सबका ठीक है। बताइए कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एग्जाम था, बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था, बाकी सब करंट अफेयर भी मॉडरेट था। लोग बता रहे करंट अफेयर थोड़ा टफ था। टफ नहीं था, मॉडरेट था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, 4 चुनना था, उसको बड़ा की किया हुआ था, बाकी सब ठीक था। Actually, I have been solved almost 80%. Yeah, but लग रहा है चांसेस भी बढ़ रहे हैं। Yeah, because paper was quite good. Exam कैसा रहा आज का? Exam अच्छा ही रहा, इसमें मैथ का भी क्वेश्चन आया था जो कि सिलेबस में नहीं था। सिलेबस से बाहर था। हाँ, मैथ जो करंट अफेयर मतलब बात कर रहे हैं कि टफ है, कुछ लोग बोल रहे मॉडरेट है। ना ना, करंट अफेयर टफ नहीं, जो पढ़ा उसके लिए टफ नहीं होगा, जो मतलब नहीं पढ़ा उसके लिए। आपका कैसा गया? मेरा एग्जाम लगभग अच्छा ही गया। एग्जाम अच्छा था, और क्वेश्चन पेपर ठीक था, और करंट अच्छा था, मतलब 1-2 सवाल थोड़ा फंसाया, और बाकी सब ठीक ठाक था। सवाल वर्दी मिल जाएगी? उम्मीद तो है फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, बट सेकंड पर सब डिपेंड है। नहीं, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से आप यहाँ पर आए एग्जाम देने के लिए, आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम ठीक रहा, क्वेश्चन एक तो करंट अफेयर का वेटेज कम था, और बिहार जी के अगर नहीं था बिल्कुल भी नहीं,
और बाकी ये तो क्वेश्चन बहुत इजी थे, जैसे महात्मा गांधी का हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी और आर्य समाज के बारे में और उसके बारे में आया था, और या तो फिर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे ज़्यादा। फिर भी मिला जुलाकर कैसा रहा पेपर? इजी टू मॉडरेट है। क्लियर हो पाएगा पीटी? हाँ हो जाएगा पीटी। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया एग्जाम। कुछ क्वेश्चन था जो करेंट अफेयर से जो मतलब आउट ऑफ एरा था एक तरह से, समझिए तो दूसरे देश का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल क्वेश्चन डाल दिया था सिलेबस, बिहार से बहुत कम क्वेश्चन टच किया। कितना परसेंट सॉल्व किया? क्वेश्चन तो हम लास्ट में 10 ठो तुक्का भी मारे, लगभग सारा सॉल्व कर ही दिए हैं, दो चार ठो छोड़े। उम्मीद क्या लग रहा है? उम्मीद पीटी में हो जाना चाहिए, अगर 65-70 तक कट ऑफ रहेगा तो हो जाना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा जाता है तो फिर तो भगवान करे। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम बहुत बढ़िया गया। आप ऐसे आए कहाँ? हम आए हुए हैं रुकनपुरा से, बिल्ली रोड, रुकनपुरा बिल्ली रोड। अच्छा, यही पटना। कैसा रहा आज का पेपर? मतलब टफ था, इजी था? नहीं, ठीक था, नॉर्मली थे, जो मैंने क्वेश्चन होना चाहिए सही था। परसेंटेज की बात, कितना परसेंट सॉल्व किया? मतलब सही लमसम ठीक ठाक गया, 85-85 के लमसम टच हुआ है। उम्मीद लग रहा है कि पीटी निकल जाए। हाँ, तो जितने भी अभ्यर्थी निकले हैं बीपीएसएससी की पीटी परीक्षा देकर, सबकी उम्मीदें हैं कि पीटी उनका निकल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम उतना भी टफ नहीं था, क्वेश्चंस उतने भी टफ नहीं थे, थोड़ा किसी को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन उसके बाद बाकी का पेपर अच्छा गया। अब देखना ये होगा कि पीटी में कितना प्रतिशत रिजल्ट आता है, कितने प्रतिशत बच्चे इसमें पास हो पाते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे लाइव सिटीज आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। बहरहाल बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सब मॉडरेट मोड था, बढ़िया गया। इंशाल्लाह मेरा एग्जाम इस बार पीटी में रिजल्ट आ रहा है। इजी टू मॉडरेट। 65-70 तक कट ऑफ रहेगा तो हो जाना चाहिए।